Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class what we'll be doing, we'll be covering next chapter of your book. This is our chapter 11, our environment. What is the chapter? Our environment. Hamara environment, hamara paryavaran. Environment ka matlab kya hota hai? Everything around us, the biotic and abiotic component interacts to form environment, okay? So in this chapter we will learn about pollution. So ये part chapter हमारा warm up से start होता है. Observe the picture and make C for the clean and D for the dirty. इन दोनों में से आपको कौन सा clean और कौन सा dirty दिख रहा है? This is clean, everything is subtle, so I'll write C here. और ये क्या है हमारा गंदगी फैली हुई है, so I'm writing D. Plastic cans पड़ी हैं, bottles ऐसी roughly पड़ी हैं, clothes. Okay, this is the dirty one. पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रदूषण. क्या कहते हैं? प्रदूषण. पॉल्यूशन द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. क्या कहते हैं हम? पॉल्यूशन. द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट में होना कहलाता पॉल्यूशन है. बट वो जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो पॉल्यूशन करा रहे हैं उन्हें कहते हैं हम पॉल्यूटेंट्स. ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं? मेजर आपके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन. थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर. एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर. एयर पॉल्यूशन मतलब एयर में कंटामिनेशन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस जिसके नुकसानदायक इफेक्ट होते हैं या फिर जहरीले इफेक्ट होते हैं, पॉइजनस और हार्मफुल इफेक्ट. ये कब होता है? जब हार्मफुल गैसेस लाइक डस्ट, स्मोक, ये एंटर करती है एटमॉस्फेयर में. कंपनीज एंड ऑल से ब्लैक कलर का सूटी स्मोक निकलता है. कुछ गैसेस कंपनीज वगैरह से रिलीज होती हैं. हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें जिनसे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, एयर में जाती हैं और एयर में पॉल्यूटेंट बन के एयर पॉल्यूशन कॉज कराती हैं, जो क्या कराती हैं, काफ़ी डिफिकल्ट करती हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए सर्वाइव करना. बिकॉज हम जिस एयर को ब्रीद कर रहे हैं अब वो कैसी है? पॉल्यूटेड है, राइट? तो देखिए कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, किन किन वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. दोनों कॉजेज होते हैं, नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है. बट मैन मेड बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम चाहेंगे, इफ़ वी वॉन्ट, तो वी कैन कंट्रोल दैट एज वेल. तो मैन मेड क्या है और नेचुरल क्या है? नेचुरल तो कभी कभार होता है वॉल्केनिक इरप्शंस या फॉरेस्ट फायर, ये वंस इन अ वाइल वाली चीज़ होती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है. बट जो मेजर इज, द मेजर इज मैन मेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. हम अपने लिए ही दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं व्हेन वी आर कटिंग डाउन दी ट्रीज. व्हाई? ट्री से हमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स है, एन नंबर ऑफ बेनिफिट ट्री देता है. ट्री ही नहीं रहेगा तो ओ टू नहीं रहेगा. अगर ओ टू नहीं रहेगा तो हम क्या सांस लेंगे? क्या हमने क्या पढ़ा था एयर वाले चैप्टर में कि हम हवा के बगैर तो 5 मिनट भी नहीं रह सकते, और हवा में हमें क्या चाहिए? ओ टू. ऑल्सो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट. सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन स्मोक्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री. इतने सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, स्मोक पॉल्यूट कर रहा है. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, उसमें भी क्या होता है? सूट होता है, स्मोक होता है. एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज फ्रॉम कार्स एंड व्हीकल्स. आजकल हर किसी को अपनी इंडिविजुअल गाड़ी चाहिए होती है, राइट? कार पुलिंग का सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यूज नहीं करते हैं. इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है. ओके, सो लुक, दिस इज हाउ आवर अर्थ इज लुकिंग लाइक. एंड इफ यू वांट टू बी इन गुड कंडीशन, ट्रीज लगाइए, जितने मैक्सिमम लगा सकते हैं लगाइए. नेक्स्ट, डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. डिजास्ट्रस मतलब जो काफी नुकसानदायक इफेक्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. बिकॉज हम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसका हम इफेक्ट तो देखना ही पड़ेगा. देखिए जो बड़े लेवल पे इफेक्ट दिखा है, एसिड रेन. एसिड रेन आप सबने सुनी है. क्या होती है एसिड रेन? हार्मफुल गैसेस जो रिलीज हैं एटमॉस्फेयर में बर्निंग ऑफ कोल के वजह से. जब भी बारिश होती है, वाटर साइकिल हमने पढ़ी है, जब भी प्रेसिपिटेशन में बारिश होती है वाटर ड्रॉपलेट्स किसके क्या करेंगी? वहीं से तो आएंगी, एटमॉस्फेयर से कंबाइन हो जाएंगी इन पॉल्यूटेंट्स के साथ और एसिडिक हो जाएंगी. एंड जब वो अर्थ पे आएंगी तो वो रेन नहीं, वो क्या कराएंगी? एसिड रेन. और एसिड रेन, एसिड कितना डेंजरस होता है, तो एसिड रेन से क्या क्या डैमेज होंगे? ह्यूमंस, बिल्डिंग, स्टैचूज, एनिमल्स एंड क्रॉप्स, इन सब को क्या होगा? डैमेज होगा.
नेक्स्ट एक और जो मेजर एविडेंट इफेक्ट देखा गया है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. आपने ये भी सुना है ना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं. क्या होता हुआ यहाँ पे, ओजोन एग्जिस्ट इन दी अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर. अर्थ की जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें से स्ट्रेटोस्फेयर में क्या थी हमारी, ओजोन लेयर, सेकेंड लेयर जो होती है रिस्पॉन्सिबल क्या करती थी, हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती थी ओजोन का, तो ये सबसे बड़ा रोल है. अर्थ की ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. कुछ हार्मफुल गैसेज की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. डिप्लीट मतलब वो थिन हो रही है, जितनी वो लेयर थी वो थिन होती जा रही है. इट विल अलाउ, अब जो थिन है तो क्या करेगी, हार्मफुल रेज ऑफ द सन जिसको ब्लॉक कर रही थी वो हम तक पहुँचेंगी, जिसके से स्किन और आई रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, देन एक बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक जो है हमारे बीच, ग्लोबल वार्मिंग. ओवर द लास्ट सेंचुरी बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल हैज़ इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट होता है, राइट, और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी, वी हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट, ये क्या करता है, हीट को अर्थ से इस्केप नहीं होने देता है, और अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है. सो द अर्थ रिटेन मोर हीट, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर. जब वो हीट अर्थ से बाहर ही नहीं जा रही है, अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो रही है, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. वार्मिंग, वार्म्थ हीट से आया है. द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर इंक्रीज इन सी लेवल. ग्लेशियर्स हैं, हम जो कहते हैं अर्थ पे 70% वाटर है, क्या सारा वाटर लिक्विड फॉर्म में है, नो, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. सी जब वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे हीट की वजह से, सी लेवल बढ़ेगा. मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम पोलर रीजन और आइस बर्स, जिसके से क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, राइट. तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है. नेक्स्ट इज डिजीजेस. एयर पॉल्यूशन मे कॉज अ नंबर ऑफ डेडली डिजीज. कैसे, अस्थमा, हम एयर जिसको ब्रीथ करें वही पॉल्यूटेड है, तो अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है. एयर में जब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स होते हैं, इम्फाइसेमा जो हमारी होती है ना, जो जिससे हमारी विंड पाइप जो होती है उसमें स्वेलिंग आती है, दिक्कत होती है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इंजूरियस है. तो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो हमें लगता है हमें बेनिफिट करेगी, हमें लॉन्ग रन पे बहुत नुकसान कराती है. ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सॉल्यूशंस फॉर एयर पॉल्यूशन. सॉल्यूशन, अब कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकरेज पीपल टू यूज मोर एंड मोर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस पॉल्यूशन. हर किसी को अपनी इंडिविजुअल गाड़ी यूज करने की जरूरत नहीं है. वी कैन चूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे एक बार में ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा. कार पूलिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है. अगर आपके सारे फ्रेंड्स हैं जो एक स्कूल में जाते हैं, तो किसी एक के पेरेंट एक बार में छोड़ के आ सकते हैं. स्कूल बसेस इसीलिए लगवाई जाती है, ऑफिस जा रहे हैं अगर दो चार लोग सेम ऑफिस के, तो कार पूलिंग करना चाहिए, राइट. स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन यू आर गोइंग आउट. आपको रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करना चाहिए एंड सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, राइट. परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स के यूज को रिड्यूस करें, क्योंकि ये गैसेस रिलीज करते हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, राइट. तो हमारे कितने हार्मफुल है ये. ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड क्लीन द एनवायरनमेंट. ये एक सबसे ईजी और इफेक्टिव तरीका है. खूब प्लांट्स ग्रो करिए, प्लांटिंग करिए, एफॉरेस्टेशन करिए, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा देगा, O2 रीस्टोर, हमारा ओजोन लेयर रीस्टोर होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. हमें ट्रीज को लगाना चाहिए. ओके, एनहांस यूज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर एंड विंड पैनल. हमें रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए रेदर देन दी फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज उनसे जो एमिशन होता है पॉल्यूशन का होता है. देन यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इन व्हीकल्स हेल्प्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन. हम पेट्रोल या डीजल के थ्रू, हम फॉसिल फ्यूल्स के जगह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी स्विच हो सकते हैं, आजकल हो भी रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. क्या है ये, वाटर बॉडीज का कंटामिनेशन. लेक्स, रिवर, ओशियन एंड ग्राउंड वाटर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. जो भी वाटर सोर्सेज हमारे लेक्स हो गए, रिवर्स, ओशियंस, ग्राउंड नट,
ह्यूमन एक्टिविटी के से पॉल्यूट हो रहे हैं उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन. इट अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स रीच दीज वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट. अगर हमारा पानी में जो गंदगी है वो रिवर्स में, सी में, लेक्स में वैसे ही पहुंच जाएगा विदाउट ट्रीटमेंट, तो क्या करेगा, उस पानी को भी ख़राब करेगा. कॉजेज क्या है, देखिए बहुत सारे कॉज हैं. एनिमल्स वगैरह को बात करा देते हैं लोग वाटर बॉडीज़ में, उसी से अगर कोई पानी पिएगा थिंक नुकसान होगा. हाउस होल्ड कचड़ा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सीधे वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर देते हैं, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट. वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स विद डिटर्जेंट इन वाटर बॉडीज, ऐसे भी करते हैं लोग. ये सब बहुत ऐसी हरकतें जिनको अगर हम ना करें तो हमारे इन्वायरमेंट बहुत सुधर के रह सकता है. ओके, देन थ्रोइंग ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स इनटू द रिवर, दीज प्रैक्टिसेस आर रॉन्ग. रिलीज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हार्मफुल फर्टिलाइजर्स इनटू द वाटर बॉडीज, या फिर कई बार ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड प्लास्टिक्स लेफ्ट ओवर. जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं, आप तो सुनते हो ना न्यूज़ में प्लास्टिक्स, कितना आधा सी में प्लास्टिक है, बीचेस के साइड पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलता है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर पल्यूटिंग आर वाटर बॉडीज एंड कॉजिंग वाटर पल्यूशन. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इफेक्ट तो देखना पड़ेगा, अभी तो हम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट जब हमें मिलेगा तो हमें पता चलता है. द मेन प्रॉब्लम कॉज बाई वाटर पॉल्यूशन इज दैट इट किल्स एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स की क्या गलती है, गलती हमारी, और उसको कौन उसका नुकसान झेल रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज, क्रैब्स, बर्ड्स, डॉल्फिन, जो वाटर बॉडीज पे डिपेंड हैं. अब किलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल अगर हो जाएगी तो हमारा फूड चेन होगा ना खराब, जो उनको खाते थे वो भी दिक्कत करेंगे, फूड चेन डिस्टर्ब हो गई. उसके अलावा देखिए इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी स्प्रेड. हमने देखा ना, अगर हम खराब पानी ले तो उससे कॉलेरा, बहुत सारी ड्रेडली डिजीज हो सकती है. तो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर से क्या होगी, बहुत सारी डिजीज लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, डिसेंट्री. एक साइंस फैक्ट देखिए, इस वाटर बॉर्न डिजीज अकाउंट फॉर डेथ ऑफ इतने पीपल इन अ ईयर. और जब सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कहाँ से पानी पीना है, राइट. तो हमारी खुद की गलतियों के बहुत सारे नुकसान हमें देखने पड़ते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर हम अभी से ही सुधर जाएं. नेक्स्ट है हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम. जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, अगर उन पेस्टिसाइड्स को हम कंज्यूम करेंगे कंटेमिनेटेड वाटर से, तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सल्यूशन. अब इसका सल्यूशन क्या है, ट्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ अ वाटर बॉडी हेल्प रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन. अगर कोई वेस्ट हम वाटर में रिलीज कर रहे हैं, उसको रिलीज करने से पहले ट्रीट कर दें या उसको सेफ बना दें, वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है. यस, इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर. केमिकल्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए. प्लास्टिक्स का, ये तो हम बहुत ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज़ को कम करना चाहिए. और सेव वाटर एज फ्रेश एंड क्लीन वाटर इज प्रीशियस. तो वाटर को सेव करिए, ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है आपका नॉइज पॉल्यूशन. हमने एयर पॉल्यूशन देख लिया, वाटर पॉल्यूशन देख लिया, नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज मतलब क्या है, दैट अनवांटेड साउंड जो हमारे सर में ईयर्स में पेन करा दे, इरिटेशन करा दे, उस साउंड को कहते हैं हम नॉइज, शोर. नॉइज पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड डिस्टर्बिंग नॉइज इन द एनवायरनमेंट दैट इज वेरी हार्मफुल टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लिविंग बींग. अगर बहुत ज़्यादा शोर है तो आपके हेडेक, आपको इरिटेशन, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, राइट. ये देख रहे हैं आप सोर्सेस क्या क्या होते हैं, एरोप्लेन फ्लाइट्स, हैमरिंग कहीं हो रही है, लाउड स्पीकर, व्हीकल की हॉन्किंग्स, इंडस्ट्रीज एंड ऑल में. तो क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं हो रही है, माइनिंग या बिल्डिंग या ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कराते हैं. इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री से मशीन्स की वजह से आता है, लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर, सोशल इवेंट्स का भी. घर के बगल में कोई सोशल इवेंट चल रहा है जो 3-4 दिन का लगातार लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तो कैसे हमें इरिटेशन होती है, राइट. नेक्स्ट क्या है, जो गैजेट्स लाइक टीवी, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, अगर ये लगातार चलते रहेंगे तो क्या कराएंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन. व्हीकल्स ऑन रोड, कभी आप चले जाइए क्या होता है, इतनी हॉन्किंग हो रही है ना, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज कराते हैं. एयरप्लेन अगर फ्लाई करके जा रहे लगातार, अगर आपका घर किसी एयरपोर्ट के पास है तो क्या होगा. इसीलिए बेसिकली ये सारी ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, अदरवाइज लोगों को बहुत दिक्कत होगी. ओके, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं एयर नॉइज पॉल्यूशन के. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा, टेम्परेरी और परमानेंट डीफनेस. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं नॉइज़ को,
तो आपको टेम्परेरी या परमानेंट डेफनेस यानी कि आप बहरे, आपके कानों में सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। रिड्यूस लर्निंग एंड रीडिंग स्किल्स रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस, रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स को भी रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। देन लाउड नॉइज कैन सर्टेनली हैम्पर योर स्लीपिंग पैटर्न, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इरीटेशन होगी। हमारे साथ साथ इसका अफेक्ट देखिए वाइल्ड लाइफ पे क्या होता है। पेट्स रिएक्ट्स मोर अग्रेसिवली इन हाउस होल्ड वेयर देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। इन नेचर एनिमल्स में सफ़र फ्रॉम हियरिंग लॉस विच मेक्स देम ईजी प्रे। नेचर में क्या होगा, अगर किसी एनिमल ने अपना हियरिंग लॉस कर दिया वो अपने प्रीडेटर को तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो ईजिली किल किया जा सकता है और उसकी पॉपुलेशन ख़त्म होने लग जाएगी और अदर जो होंगे वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे हंटिंग पे, क्योंकि उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी दूसरे की, तो दोनों का ही लॉस हो रहा है, प्रे का भी प्रेडेटर का भी। डिजीज़ क्या क्या हो सकती है, स्ट्रेस एंड हाइपर टेंशन, आप इरिटेट हैं हाइपर टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट बीट, आपको थकान महसूस होगी, अनईजीनेस होगी, तो फटीग एंड टायर्डनेस। ओके, अब आते हैं सल्यूशन पे। सल्यूशन क्या है नॉइस पोल्यूशन का, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है हमें तो इन्जॉयमेंट हो रही है, बट नहीं, आपका इन्जॉयमेंट किसी और के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या रूल लगाया, आफ्टर 10 o'clock कोई लाउड स्पीकर, कोई डीजेज नहीं, राइट। वियर ईयर प्लग वेन एवर एक्सपोज टू हाई नॉइज लेवल्स, ईयर प्लग्स पहन वियर करने चाहिए हमें। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ईयरफोन्स, लगातार जो हम लगा के रखते हैं हेडफोन्स ईयरफोन, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए हमें। साउंड प्रूफ वॉल्स या टाइल्स को हमें घरों में रखना चाहिए जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो सके। एंड कंप्यूटर्स और टीवीज को जब यूज़ में ना हो तो उनको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द सल्यूशन। सो वी हैव रेड, नाउ लेट्स मेमोराइज। हमने पॉल्यूशन एक टर्म पढ़ी, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या है, दोज हार्मफुल सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन। एसिड रेन क्या है, रेन पॉल्यूटेड बाई हार्मफुल गैसेज जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रही है, हम रिलीज कर रहे हैं, एसिड रेन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो ओवरऑल अर्थ के टेम्परेचर में जो ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, जो कि किससे हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने की वजह से हुआ, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है ये। लेट्स रिकॉल, वी डिपेंड ऑन आर एनवायरमेंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स, ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर सब एनवायरमेंट से मिलता है हमें। पॉल्यूशन 3 मेन टाइप का होता है, एयर, वाटर, नॉइस। एयर पॉल्यूशन कॉज एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एंड डेडली डिजीजेज। वाटर पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, लीड्स टू एक्वेटिक एनिमल की किलिंग में, इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन्स में, राइट, टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस। नेक्स्ट, एक्सेस नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज, नॉइज पॉल्यूशन कैन लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस। ओके, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। सो नाउ वी हैव हियर ऑन द क्वेश्चंस, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व दिस। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट, जो ऑप्शन हम यहाँ टिक करेंगे आपको ओएमआर में भी उसे डार्क करना है। ओके, दिस द ओएमआर शीट, ऑप्शंस आर गिवन, यू विल डार्क देम। टाइफाइड एंड कॉलरा में भी कॉज, टाइफाइड एंड कॉलरा कैसी डिजीज है, किसकी वजह से होती है, एयर, वाटर, नॉइज या फिर नन ऑफ दिस। वाटर पॉल्यूशन से होती है, सो ऑप्शन बी, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का बी को डार्क करेंगे। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, ऑयल शिप्स फ्रॉम द शिप, ये तो वाटर पॉल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर एयर पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक माइनिंग, माइनिंग में क्या होता है, शोर होता है, तो हाँ नॉइज पॉल्यूशन हो सकती है, फॉसिल फ्यूल्स का बनना, ये भी एयर है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी, तो सेकेंड का सी। थर्ड इज स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन कौन कॉज करा था, नॉइज पॉल्यूशन, तो इसमें तो वी डोंट हैव टू इवन लुक, नॉइज पॉल्यूशन क्या करा था हमारा, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी, थर्ड का सी। अस्थमा एंड एम्फाइसेमा आर कॉज बाय, अस्थमा हवा, सांस की दिक्कत एयर की वजह से होती है, एम्फाइसेमा ऑल्सो एयर, तो एयर पॉल्यूशन, फोर्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, द सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ। नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन कॉज डिजीज सच एज डैश एंड डैश, कौन सी डिजीज कराते हैं वो, अस्थमा और लंग कैंसर, तो ये सेकेंड, ये भी सेकेंड। नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप इज अ कॉज ऑफ, ऑयल स्पिल हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, क्या कराएगा, वाटर पॉल्यूशन, दिस इज
देन नॉइज पोल्यूशन कैन लीड टू डैश और डैश डेफनेस, टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस. तो दिस इज योर फोर्थ. Temporary or permanent deafness. Is that clear? Let's solve the true false. First is write T for true and F for false. So, जो correct statement होगी हम T for true लिखेंगे and wrong के लिए F for false लिखेंगे. Depletion of ozone layer cause damage to building and statues. Depletion of ozone layer अगर हो रही है उसके वजह से buildings and statues को क्या damage हो रहा है? No. एसिड रेन की वजह से डैमेज हो रहा है, राइट. सो ये ओजोन लेयर वाला यहाँ नहीं है, सो दिस विल बी एफ फॉर फॉल्स. देन टाइफाइड, कॉलेरा एंड जॉन्डिस आर वाटर बॉर्न डिजीज. येस, ऑल दीज थ्री आर वाटर बॉर्न डिजीज. तो दिस विल बी टी फॉर ट्रू. देन यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करते हैं तो एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. हाँ जी, कम कर सकते हैं, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स केमिकल्स रिलीज करती हैं. तो ये भी टी फॉर ट्रू. देन वी हैव नॉइज पॉल्यूशन इंक्रीज लर्निंग एंड रीडिंग स्किल. क्या इंक्रीज करता है नॉइज पॉल्यूशन को? हमें स्ट्रेस होगा, हम अनस्टेबल होंगे तो डिक्रीज करेगा. तो दिस इज एफ फॉर फॉल्स. इज दैट क्लियर? इट इज फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स. सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर. ओके, आर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट हमारा क्या है, पॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तीनों टाइप्स के कॉजेज, उनके इफेक्ट्स और उनके सॉल्यूशन हमें ध्यान में रखने हैं, ताकि हमें पता हो हमें कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ से दिक्कत आ रही है और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एटलीस्ट. ओके, प्लीज़ रीड दी चैप्टर. इफ एनी क्वेरी, वॉच दी वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो री वॉच इट, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ एंड यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग. ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. थैंक यू सो मच.